आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और आज कवर करेंगे हम सभी 1 से 3 जून के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर क्लास। डेली सुबह में 4:30 बजे क्लास का टाइमिंग है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा, क्योंकि हम सभी वोट देते हैं, तो वोट देने के बाद हर एक नेता से, कोई भी नेता हो, किसी भी नेता हो, हर एक नेता से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, लोकपाल के ऊपर, ब्लैक करेंसी के ऊपर, ठीक है, ये सब चीज पर सवाल पूछना हमारा हक है, ठीक है, ये आप करिएगा, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल आपका ये है कि अभी आप सभी को पता है कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है वो बुरी तरह से हमारे देश में फैल गया है। इस चीज को ना आप पॉलिटिक मत लीजिएगा, पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत घसीटना। एक जेन्युइन पर्सन होकर आप यस और नो बोलिएगा, किसी पार्टी को मत घसीटना, ठीक है ना। मैं पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन ये है, अभी पीएम केयर फंड जो बनाया गया, ठीक है ना, उसमें एक आरटीआई जारी किया गया था। उसने बताया गया था कि पीएम केयर का फंड का जो भी पैसा है वो पब्लिकली करना चाहिए, कि वो पैसा कहां पर खर्चा हो रहा है, कहां पर खर्चा नहीं हो रहा है, सरकार को बताना चाहिए। उस आरटीआई के रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट में पीएमओ ने यह बोला है कि पीएम केयर फंड जो है ना वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और सेक्शन का हवाला दिया है कि सेक्शन 2H आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। अब आप सभी ये बताना कि पीएम केयर फंड का पैसा लोगों को बताना चाहिए कि कहां कहां का खर्चा हुआ, कितना पैसा आया या नहीं। और पहला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने अप्रैल 2020 में कितने कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है, ये आपको बताना है कि भारत ने क्रूड स्टील का कितना प्रोडक्शन किया है अप्रैल 2020 में। तो वो किया गया है आपका 3.13 मिलियन टन, जो कि 65% कम है अगर तुलना किया जाए 2019 के अप्रैल के महीने से। तो बहुत कम है, 65% कम है पिछले साल के मुकाबले में। और जिस तरह महामारी फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसको देखते हुए हर एक देश जो है इसमें पीछे है, लेकिन एकमात्र चाइना देश है जिन्होंने उत्पादन जो है स्टील कच्चे इस्पात यानी स्टील का थोड़ा ज्यादा किया है। और आप ये भी याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ दे सबसे ज्यादा स्टील कौन सा देश प्रोड्यूस करता है उत्पादन, तो आप क्या बोलेंगे, चाइना। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने एक नए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के निर्माण के प्रस्ताव को निलंबित कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो यह किया गया है श्रीलंका कंट्री के द्वारा। उनका कहना है अभी महामारी इतनी बुरी तरह से अपना प्रकोप दिखा रही है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इसका हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने 1 जून से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि यह निर्णय पहले कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था, ठीक है, बाद में पश्चिम बंगाल ने भी बोला कि वो भी खोलेगी। अभी हर एक राज्य जो है वो खुल रहा है, तो अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब वो बस बोल सकते हैं ना, दिखावा का लॉकडाउन, कुछ लॉकडाउन नहीं है, पूरी तरह से आप बोल सकते हो खुला हुआ है। एक बात याद रखिएगा मेरा, जनता के लिए आप ना महज एक संख्या है, बस एक संख्या है। आप मरेंगे, किसी को कोई चिंता नहीं है, जनता के लिए बोल रहा हूँ, नेता के लिए आप बस एक संख्या है, आप मरेंगे कोई उनको टेंशन नहीं है। तो अपनी जान की कीमत आप रखिएगा, अपने परिवार के लिए आप बहुत अनमोल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राज्य खेल को औद्योगिक दर्जा देने वाला भारतीय राज्य बन गया है, कौन राज्य है, और ये पहला राज्य बन गया, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स, और वो है आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर आपका डी। और पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये है
कि मिजोरम का राज्यपाल, मिजोरम का मुख्यमंत्री, मिजोरम का राजधानी, यह तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गगनयान प्रशिक्षण के लिए चयनित चार भारतीय महान गणों ने किस देश में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है? आप सभी को पता है चार लोगों को ट्रेनिंग के लिए रसिया भेजा गया था, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के वजह से जो है उनका ट्रेनिंग जो है वो 3 महीने के लिए बंद था, लेकिन फिर से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और वो अपना ट्रेनिंग वगैरह जो है वो कहां पर कर रहे हैं? तो रसिया में, रूस में। और रसिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया का मुद्रा रशियन रबल। और रसिया के राष्ट्रपति का नाम क्या? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने अपने मानचित्र का उद्यतन करने के लिए संविधान संशोधन पर अपनी चर्चा स्थगित कर दी है? किसने किया है ये? Which nation has postponed its discussion on constitutional amendment to update its map? नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। पता है ना, लिपु लेक, महाकाली नदी, ये सब को लेकर बहुत अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उसी की बात यहां पर चल रहा है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। कैपिटल काठमांडू और मुद्रा क्या है? नेपाली रूपी। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र ने विदेश से लौटने वाले भारतीय के लिए अनिवार्य होटल संगरोध अवधि कितने दिनों के लिए कम कर दी है? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है ना। पहले क्या था कि अगर कोई भी लोग विदेश से आता है तो क्वारंटाइन किया जाएगा, कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। लेकिन अभी वो अवधि घटाकर 7 दिन के लिए कर दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने सड़क, रेल या हवाई मार्ग से आने वाले लोगों से COVID-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र की मांग की है? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है, अगर कोई भी आदमी रोड से, रेल से या जहाज से उस राज्य में आता है तो उस आदमी को अपना प्रमाण पत्र देना होगा। कहने का मतलब है उसको अपना मेडिकल स्टेटस कि वो निगेटिव है, ठीक है, जांच करवा कर आना होगा। और ये किसने बोला है? गोवा ने बोला है, ऑप्शन नंबर डी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कैपिटल पणजी, और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न हमारे सामने, यूरोपियन संघ आयोग ने प्रस्तावित किया है कि ब्लॉक की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए कितनी वसूली निधि है? तो 750 बिलियन यूरो, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने अपने उर्ग सीमा विवाद मुद्दे पर भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है? मीडिएटर बनने का काम कर रहे हैं, कौन है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि भारत और चीन के बीच में जो भी झमेला वगैरह चल रहा है सीमा को लेकर, उनको वो क्या कर सकते हैं? सेटल करवा सकते हैं। खुद का देश संभल नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, देख ही रहे हैं आप, वहां के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, रोड पर आ गए, सड़क के ऊपर, देख ही रहे होंगे आप सभी। शुक्र मनाइए इंडिया नहीं है, वहां के बड़े बड़े स्टार, ट्वेलर स्विफ्ट इतनी बड़ी स्टार उन्होंने, या अमेरिका के जो बड़े बड़े स्टार हैं, सेलिब्रिटी, ये सब विरोध कर रहे हैं। अगर ये इंडिया होता तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, खमाती ली चावल, तवांग मक्का और आदि अदरक के लिए GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया किस राज्य ने शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर सी। सीएम कौन है? पेमा कांडू। गवर्नर BD मिश्रा। कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश का? तो वो है आपका ईटानगर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा ऐप एक ओपन सोर्स बन गया है? यहां पर समझिएगा क्या बोल रहा है, आंसर क्या है आपका? आरोग्य सेतु। यहां पर ओपन सोर्स क्यों बोला जा रहा है इस एप्लीकेशन को? क्योंकि इसका जो भी डाटा है वो पूरा ओपन है, यहां पर ऐसा नहीं है किसी का डाटा लीक किया जाए कुछ ऐसा, पूरा ओपन है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या है, आरोग्य सेतु को ओपन सोर्स के नाम से टैग दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लोगों के प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया है ताकि COVID-19 वायरस का प्रसार क्या
वहां ना हो सके, ठीक है, यहां पर टिक कर लीजिएगा। और ये कहां पर किस राज्य सरकार ने किया है, बोलिए, कर्नाटका ने, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एडीबी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है, किसने दिया ये, तो ये दिया है, किसको दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राजधानी तो सभी को पता है मुंबई, अगर बात करें वहां के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेरिकी कांग्रेस ने उइघर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को कानून की मंजूरी दी है, चाइना, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, WHO के, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यहां पर WHO के, यहां पर क्या लिखा है, कोविड होगा, यहां पर अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ है, कोरोना वायरस 19 रोगियों पर क्या बोल रहा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के नैदानिक परीक्षण की अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले से कौन सा देश असहमत है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोल दिया है कि जो दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, वो जो है वो क्या बोल सकते हो, सफिशियंट नहीं है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो इसके फैसले को जो है वो कौन समर्थन नहीं कर रहा है, इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका डी, भारत। अगला प्रश्न हमारे सामने, विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका थियरी डेलापोर्टे, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, कुशल श्रमिक के लिए किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है, और यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, जितने भी माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है, जिनके द्वारा उनको काम मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। अगर बात करूं राज्यपाल लालजी टंडन और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला निम्नलिखित में से नौसेना जहाज के बीच रखी गई है, कौन से नौसेना जहाज के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए INS कलिंगा, कलिंग बोल सकते हैं। अच्छा, इंडियन नेवी का चीफ कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडियन नेवी की जो चीफ है वो कौन है, करमबीर सिंह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व संगठन के साथ किस राष्ट्र ने अपना संबंध समाप्त कर लिया है, तो अमेरिका तो पहले ही से धमकी दे रहा था कि विश्व संगठन जो है वो चाइना की बोली बोल रहा है, तो किसने किया होगा, ऑफ कोर्स अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर ए। और अगर बात करूं WHO को लेकर, विश्व संगठन को लेकर, तो उसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एधोनोम। हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, BCCI के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया, किसे नॉमिनेटेड किया गया है, तो रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने, BCCI के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे ना सम्मानित किया गया है, सम्मानित बोल रहा हूं, नामित किया गया है। याद रखिएगा यहां पर दो क्वेश्चन आप सभी, कि राजीव गांधी खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा को नॉमिनेटेड किया गया है, अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार के लिए तो शिखर धवन को, और इनके साथ साथ जो इंडियन टीम की ऑलराउंडर है महिला क्रिकेट टीम की दीप्ति शर्मा, उनको भी नॉमिनेटेड किया गया है अर्जुन अवार्ड्स के लिए BCCI के द्वारा। दो चीज याद रखिएगा, BCCI के द्वारा अर्जुन अवार्ड्स के लिए क्रिकेट में शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नॉमिनेटेड किया गया है, लेकिन अगर बात करेगा आप सभी से राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, रोहित शर्मा। याद रहे, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, निम्नलिखित राज्य में से कौन राज्य है जो गरीब को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगा, केरला, केरल, ऑप्शन नंबर सी। और केरला के मुख्यमंत्री कौन है, पिनारायी विजयन। राज्यपाल की बात करें आरिफ मोहम्मद खान,
और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर व्यापक विरोध देखा है? तो अमेरिका ने। आज किस तरह यह खबर फैल रही है, और आप मान कर चलो वहां के बड़े बड़े कलाकार, नामी नामी कलाकार इनके विरोध में आ रहे ट्रंप साहब के, और लोग जनता जो है वो रोड पर है, उन्होंने आर्मी उतार दी है रोड पर और बोल रही है आर्मी को मारो पीटो। वहां पर इतना बुरा कंडीशन हो गया अमेरिका में, 40 शहर पूरा, और इस बड़े न्यूज को इंडिया कवर नहीं कर रहा। इंडिया मीडिया में क्या छाया हुआ है, पाकिस्तान सुबह शाम पाकिस्तान, यार बच्ची की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस एजेंडा के तहत कर रहे हैं, क्या लेना है पाकिस्तान से, समझ ही में नहीं आता है कभी। पाकिस्तान में जनता बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान में टमाटर इतना किलो है, पाकिस्तान में इतने किलो आलू, अरे हम लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, हम लोग पाकिस्तानी थोड़ी ना है कि सुबह शाम पाकिस्तान की न्यूज़ हमें दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलें, छोड़िए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 19 जून को चुनाव के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? तो आप सभी को बता दूं, टोटल 55 सीट पर चुनाव होने वाला था, 37 मेंबर चुन लिए गए, बाकी बचे 18 मेंबर के लिए चुनाव जो है वो 19 जून को होगी। अगला प्रश्न हमारे सामने, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवर्ती तूफान का क्या नाम है? तो नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया निसर्ग, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है, बॉक्सिंग की तरफ से, तो नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी अमित पंगाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्जुन अवार्ड के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा किसे नॉमिनेटेड किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका लोवलीना ब्रोगिन। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर डी, और तेलंगाना के कैपिटल क्या है, हैदराबाद, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न हमारे सामने, एमएसएमई के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि 15 से 16 मिनट में क्लास तो खत्म होगा नहीं, तो जितना जल्दी हो सके क्लास खत्म कर दूं, क्वेश्चन पूरे आपके 30 से 32 है, 3 दिन का पूरा, ठीक है ना। किस राज्य के अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश है, और उस एप्लीकेशन का नाम है दिल्ली कोरोना, ठीक है ना। तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 1 से 3 जून, इसका पूरा का पूरा संपूर्ण पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं ना तो वहां से आप सभी जुड़ सकते हैं, ताकि आप सभी वहां पर हर एक चीज का नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।